अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि सिर्फ सर्दियों में ही खाई जाती है। जी तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बटर चावल की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक बड़ी प्याज, तेज़पत्ता, दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च। और यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी मिर्च को पीस लिया है। ये लहसुन हमने यहाँ पर छोटे छोटे चॉप कर लिया है, इसको भी पीस लें आप। यहाँ पे हमने लिया है 1 बाउल के करीब मटर, क्योंकि जब तक मटर चावलों में ज़्यादा मटर नहीं डलती तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 kg राइस, उसको हमने भिगो दिया है। जब तक हम लोग इसका मसाला रेडी करते हैं तब तक आप लोग चावलों को भिगो कर रख दीजिए। फिर इसमें 2 बड़े चमचे घी के ऐड कर लीजिए। आप लोग घी, ऑयल जो भी यूज़ करते हैं आप लोग वो डाल दीजिए। इसके बाद जब तेल गरम या घी गरम हो जाए उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से पकाएं। लेकिन इसको ब्राउन होने बिल्कुल नहीं मत दीजिएगा, क्योंकि वरना चावलों में नज़र आएंगे। उसके बाद इसमें जो हमने लहसुन पीस के रखा था उसको आप इसमें ऐड कर लीजिए, और जो सारा मसाला था हरी मिर्च वगैरह ये सब आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए पका लीजिए। इन सब चीज़ से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है, जो कि मटर चावलों को और मज़ीद लजीज बनाता है। इसके बाद में थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिए ताकि इसका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। जब इसका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसमें सारी मटर ऐड कर दीजिए और फिर इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि इसका टेस्ट इसमें और डेवलप हो जाए। थोड़ा सा मटर को भूनने के बाद उसमें हम बहुत, मतलब 1/2 टीस्पून से भी कम इसमें चीनी ऐड करेंगे, उससे इसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा होता है। इसको डेफिनेटली ट्राई करिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढककर पकाने के लिए रख देंगे ताकि मटर गल जाए अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करा है। अगर हमें बाद में हम चेक करेंगे कि अगर कम हुआ तो हम और ऐड कर देंगे। इस बार ढककर इसको पकाने के लिए रख दीजिए। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। फिर जो चावल भिगो के रखे हुए थे उसको ऐड कर लीजिए और इसमें इतना पानी ऐड कीजिए कि वो चावल पूरे ढक जाए। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। जब मसाला आप मिक्स कर लें तो उसके बाद इसका नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कम है, जैसे अभी हमें कम लगा, तो यहाँ पे 1 टीस्पून और ऐड करा गया है नमक। उसके बाद इसको पकाने के लिए रख दीजिए, इसको और दम पर रख दीजिए। उसके बाद चम्मच से चलाइएगा तो बहुत आराम से चम्मच चलाइएगा, वरना क्या होता है चावल टूट जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, खिले खिले नहीं बनते। यहाँ पे देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और खिले खिले बने हैं। ये रेसिपी आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पे अपने चावलों को डिश आउट करेंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये रेसिपी है ही ऐसी जो कि ये सर्दियों में आते हैं और सर्दियों में ज़्यादातर खाए जाते हैं, क्योंकि मटर ही सर्दियों में आती है। और इसको आप शलजम के अचार के साथ खाएँ तो बात ही क्या है। अगर आपको मेरी शलजम के चाय की रेसिपी की वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, शलजम के अचार के साथ मटर चावल। मतलब आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इस चीज़ के, क्योंकि हमारे घर में तो शलजम के अचार के बगैर तो मटर चावल खाए जाते ही नहीं हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट ट्राई रेसिपी है। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।